हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है टैली प्राइम को लेकर के। टैली प्राइम के अंदर एक हमारे व्यूअर हैं जिन्होंने सवाल किया है कि सर, मैं जब टैली प्राइम चला रहा हूं और टीडीएस लगाने की कोशिश करता हूं तो डेबिट वाले सेक्शन में दिक्कत होती है। जैसे ही डेबिट वाले सेक्शन में चीज़ें डाल करके एंटर करता हूँ तो सीधा कॉस्ट सेंटर पर चला जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट सेंटर पे क्यों जाता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टैली प्राइम को। यहाँ पर मैं एजुकेशनल मोड में कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ से कोई एक कंपनी हम चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। वैसे बेहतर ये है कि हम एक नई कंपनी बनाएं जिसमें कि हम TDS को एक्टिवेट करें। ठीक है, और इसके साथ साथ हम कॉस्ट सेंटर को भी एक्टिवेट करेंगे क्योंकि यही प्रॉब्लम इनकी है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी का नेम सबसे पहले दे देता हूँ, लोकेश सेंटर। अब ये कंपनी का नाम हो गया। मान लीजिए आपके कंपनी का नाम कुछ और भी हो सकता है, ये कोई जरूरी थोड़ी ना कि सबके कंपनी का नाम यही हो। और यहाँ पे आ जाएगा न्यू कॉलोनी देवरिया, ये हो गया। अब एंटर करिएगा, यहाँ पर देखिए ये गैप छूट गया है तो ये गैप दे दीजिएगा आप। न्यू कॉलोनी के बाद यहाँ पर ये हो गया कॉलोनी और ये हो गया देवरिया, DERIA। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे यू प्रेस करेंगे, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एंटर करेंगे 274001। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। और एक्सेप्ट कराने के बाद सबसे पहला काम कि TDS चालू करना है। तो TDS कैसे चालू होगा, तो ये विंडो आएगी, बस यहाँ पे देखिए TDS आ रहा है तो इस पर डबल क्लिक करके यस करिएगा, एंटर करिएगा। यहाँ पर आपको टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर डालना है। फिर यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 10 रजिस्ट्रेशन नंबर है और नीचे टैक्स कलेक्शन एंड डिडक्शन अकाउंट नंबर है। तो अगर आप गलत डालेंगे तो ये बताएगा, आपको सजेस्ट करेगा कि आपको सही डालना है। तो देखिए कह रहा है ना कि इसमें चार कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, फिर चार कैरेक्टर, पांच कैरेक्टर जो है न्यूमेरिक होना चाहिए और एक अल्फाबेट। ठीक है, तो हमको भी यही देना है, जैसे ये बता रहा है बिल्कुल वैसे ही दे देना है। तो चार कैरेक्टर अल्फाबेट हो गए और पांच कैरेक्टर न्यूमेरिक, तो ये पांच कैरेक्टर न्यूमेरिक हो गए और एक अल्फाबेट, तो ये दे करके एंटर कर दीजिए। ये कंपनी है क्या है, डिडक्टिव ब्रांच डिवीजन, तो देवरिया कर देते हैं, तो यहाँ पे DERIA कर देते हैं, देवरिया हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये देवरिया हो गया और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पर्सन की डिटेल आएगी तो यहाँ पे यस करिएगा। मान लीजिए मिस्टर राज जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और सन ऑफ डॉटर ऑफ ये भर दीजिएगा। पैन नंबर बिल्कुल सही से डालिएगा, एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये इनवैलिड बता रहा है तो आपको पैन नंबर सही डालना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डाल दिया हमने पैन नंबर और बाकी डिटेल भरते हुए एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये और लास्ट तक आपको एंटर एंटर करते जाना है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, यानी TDS हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब हमें TDS की एंट्री पास करनी है, तो चलिए चलते हैं जनरल वाउचर में। तो वी बटन प्रेस किया तो अभी कौन से वाउचर में है, पेमेंट वाउचर में। कभी कभी क्या होता है हम कॉस्ट सेंटर भी एक्टिवेट कर देते हैं। कैसे एक्टिवेट करेंगे, F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये कॉस्ट सेंटर। तो ये जो कॉस्ट सेंटर है ना, इसको आप इनेबल कर देते हैं, और जब इनेबल कर देते हैं और कंट्रोल ए कर देते हैं तो ऐसे में क्या होता है, ये भी एक्सेप्ट हो जाता है। और तब आप वी बटन प्रेस करके और यहाँ से F7 प्रेस करके जनरल वाउचर में जाते हैं। तो यहाँ आपको डेबिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सपोज करिए डेबिट किसे करना है, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लेजर बनाएंगे, ठीक है, यानी एक खाता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ कमीशन, तो ये हो गया कमीशन। ठीक है, और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे ये कमीशन क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देंगे और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर आपको एप्लीकेबल रखना है ये, ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम, तो ये क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले तो TDS ऑन कमीशन कर देते हैं, TDS ऑन कमीशन, ये हो गया TDS ऑन कमीशन, एंटर करेंगे और यहाँ पे सेक्शन आएगा, तो जो भी सेक्शन है वो डाल दीजिएगा। फिलहाल मैं डमी डाल रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे रिमिटेंस कोड आएगा, एंटर करिएगा, विथ पैन 10% और विदाउट पैन जो है आपका ज़्यादा होगा। और यहाँ पे कमीशन अगर 40,000 से ज़्यादा प्राप्त कर लेते हैं तो उस दशा में आपका क्या कटेगा, ये कटेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे कमीशन कितना प्राप्त किया, तो 1,20,000 रुपये कमीशन प्राप्त किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ 1,20,000। तो देखिए ये जो है कॉस्ट सेंटर अपने आप ओपन हो जा रहा है, देख रहे हैं, यही दिक्कत शायद आपके साथ भी आ रही है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि आप कॉस्ट सेंटर को ऑफ करिए। ठीक है, जैसे ही मैंने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर ओपन हो गया।
तो अभी आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर डालना पड़ेगा, तो कॉस्ट सेंटर ना डालना पड़े इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। और बाहर आकर के F11 यानी गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पे आकर के F11 प्रेस करना होगा। और जैसे ही F11 प्रेस करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, और जैसे ही ये विंडो ओपन होगी तो यहाँ से कॉस्ट सेंटर को आप नो कर दीजिएगा और कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिएगा। जब कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और दोबारा एंट्री पास करने जाएंगे तो अब आपको वो कॉस्ट सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ दिखाई नहीं देगा। जैसे अब 1,20,000 फिर लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये हो गया 1,20,000 रुपये, और जैसे ही एंटर करते हैं तो नीचे आप आराम से आ जा रहे हैं, ठीक है। ऑल्ट सी करके यहाँ रितेश क्रिएटर पार्टी का लेजर लगाएंगे, तो ये रितेश दे दिया हमने। और ये क्या है, ये संडी क्रेडिटर है, एस प्रेस करेंगे, संडी क्रेडिटर का ग्रुप डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर एंटर करके इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो यस रहेगा। और यहाँ पर डिडक्टी टाइप क्या रहेगा देख लीजिएगा, तो यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म कर देते हैं हम और एंटर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनका पैन नंबर डालना बड़ा ज़रूरी है, तो यहाँ पैन नंबर डालना मत भूलिएगा, इनका जो भी पैन नंबर होता हो वो ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया पैन नंबर, तो ये देखिए इनवैलिड दिखा रहा है, तो जब तक आप सही नहीं डालेंगे तब तक गड़बड़ है। तो ये सही सही पैन नंबर डालिएगा, ये हो गया, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराइए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है 1,08,000 रुपये खुद ही आ गया है। अब क्या करना है, इसको एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, यानी 12,000 रुपये टीडीएस कट रहा है। अब यहाँ पे फिर से क्रेडिट आ रहा है, तो क्या करना है, यहाँ पे लगाना है टीडीएस का लेजर, लगा दिया। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में इसे डालेंगे, तो यहाँ से आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप चूज कर लीजिएगा। और ये टीडीएस है, जीएसटी नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये टीडीएस ही है, तो यहाँ पर टीडीएस को चूज कीजिएगा और एंटर करिएगा। और यहाँ बनाया है टीडीएस ऑन कमीशन, ये डाल करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो देखिए ये 12,000 रुपये आ गया, और यहाँ पे लिख दीजिए टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, डिडक्टेड, ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये समाधान हो जाएगा आपका, ठीक है। यही आपकी दिक्कत आ रही थी। साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि ग्रुप्स हमने क्या डाले हैं, किसके अंदर क्या डाला है। तो यहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ से अल्टर पे आते हैं, तो अल्टर पे आने के बाद लेजर्स पे आएंगे, और यहाँ पे कमीशन नाम का जो लेजर बनाया है, तो आप देख सकते हैं इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाला है, और यहाँ पर टीडीएस डिडक्टेबल है, और यहाँ डिडक्टी टाइप में टीडीएस ऑन कमीशन हमने बनाया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट कराया है। बाकी यहाँ पर टीडीएस का लेजर आप देख ही सकते हैं किस तरीके से बना हुआ है, और इसे टीडीएस ऑन कमीशन जो हमने बनाया था उसी के अंडर में डाल दिया है और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लिया है। और ये क्रेडिटर पार्टी का लेजर है जिसे संड्री क्रेडिटर के अंदर डाला है, और यहाँ पर पैन नंबर देना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पैन नंबर ज़रूर दे दीजिएगा, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, एंटर करते हुए इसे करा लीजिएगा एक्सेप्ट। तो ये हो जाएगा, और आपको कुछ इस तरीके से करना है। उम्मीद करता हूँ कि पूरी